शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगाकर खत्म कर दिया इस दिग्गज क्रिकेटर का करियर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया श्रीलंका के विरुद्ध 3 वनडे मैचों की सीरीज 3-0 से जीतने के बाद अब टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेल रही है, जिसका पहला वनडे मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 12 रनों से हरा दिया। इस मैच में टीम इंडिया की जीत के हीरो थे शुभमन गिल। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल ने इस मैच में केवल 149 गेंदों में 208 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 19 चौके और 9 छक्के शामिल थे। दोस्तों इस मैच में शुभमन गिल ने अपने वनडे करियर का पहला दोहरा शतक लगाया और इसी के साथ गिल 23 साल की उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले टीम इंडिया के सबसे युवा बल्लेबाज भी बन गए। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले वाले श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में भी गिल ने शतक लगाया था, जिसके बाद अब शुभमन गिल ने टीम इंडिया में अपनी जगह लगभग तय कर ली है और उन्हें अब आने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी टीम में जगह मिलना लगभग तय हो गया है। दोस्तों ऐसे में बात करें टीम इंडिया के दिग्गज ओपनर शिखर धवन की, तो शिखर धवन का अब टीम इंडिया से पत्ता लगभग साफ हो चुका है, क्योंकि शिखर धवन की जगह अब शुभमन गिल ने ले ली है। दोस्तों ऐसा माना जा रहा था कि शिखर धवन को 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया में मौका मिल सकता है, लेकिन शिखर धवन का फॉर्म काफी लंबे समय से खराब चल रहा है, जिसकी वजह से वो टीम इंडिया से बाहर है। और अब शुभमन गिल ने दोहरा शतक ठोक कर ये कंफर्म कर दिया है कि शिखर धवन टीम इंडिया में कभी नजर नहीं आएंगे। दोस्तों बात करें शिखर धवन की, तो शिखर धवन और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी वनडे में काफी हिट रही है। शिखर धवन ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम इंडिया को कई बार ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई है, लेकिन पिछले कुछ समय से शिखर धवन का फॉर्म काफी खराब चल रहा है। हाल ही में जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था, तब शिखर धवन को वनडे टीम का कैप्टन बनाया गया था, तभी भी शिखर धवन कुछ खास फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे। और अब आने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी शिखर धवन की जगह शुभमन गिल को टीम इंडिया में खिलाया जाएगा, ऐसी खबरें हैं। ऐसे में दोस्तों क्या आपको भी लगता है शिखर धवन का क्रिकेट करियर खत्म हो चुका है? नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।